गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ ना तीजा की तैयारी चल रही है, तो मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। और ये मेहंदी लगाने के लिए दीदी आई हैं, तो ये मुझको मेहंदी लगा रही हैं। ये देखिए, मेरे एक हाथ का कंप्लीट हो चुका है और ये दूसरा। कैसी लग रही है फ्रेंड्स? ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, तीजा के दिन का। और मेहंदी मैंने एक दिन पहले ही दोपहर को लगवा ली थी। और देखिए, तीजा के दिन अभी शाम के ना 4:30 बज रहे हैं। और मौसम देखिए, इधर का इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि लग ही नहीं रहा था ना से आज अभी शाम के 4 बजे हैं। ये देखिए, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी फ्रेंड्स, और लाइट भी कट हो गई थी। तो मैंने ना इसके बाद की ब्लॉगिंग नहीं की, लाइट काफ़ी देर बाद आई है। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ ना फुलेरा बनाने की तैयारी चल रही है, और मेरे साथ बच्चे भी हेल्प करवा रहे हैं। और मैं ये देखिए सारे फूल, ये मेरा बेटा बैठा हुआ है, और हम लोग अभी सब ना फुलेरा बनाएंगे, सजाएंगे पूरे कमरे को, और उसके बाद फिर पूजा की तैयारी करेंगे। और इससे पहले मैं ना थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं रेडी हो रही हूँ, चूड़ियाँ डाल रही हूँ। नहीं तो तैयार होने के वजह से ना कुछ बच ही जाता है, काम में लगे रहो तो कुछ नहीं कर पाते अपने लिए। तो मैंने सोचा पहले कुछ रेडी हो जाऊँ, उसके बाद फिर आती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ फुलेरा बनने की तैयारी हो रही है। और ये देखिए, हम लोग ये फ्रेम तैयार कर लिए हैं, और इसको ना डेकोरेट करेंगे अभी। फ्रेंड्स, मैं ना अभी ना वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो यदि कुछ आपको गलती लगे तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो गया है। और फ्रेंड्स, ये कुछ सामान है जो मैंने मंगवाया था, तो ये भैया ला के दे रहे हैं। और अभी हमें पूजा की तैयारी भी करनी है। अभी फिर लाइट कट गई थी, बार बार लाइट आ रही है जा रही है। अभी 8:30 हो चुके हैं फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर में पंडित जी भी आ जाएंगे। और पंडित जी हमारे घर के ही हैं, तो वो खुद ही पूजा करवा देते हैं। मेरे देवर हैं छोटे वाले, तो वो खुद पूजा करवा देते हैं, तो हमको इतना टेंशन नहीं रहता है। और आज के दिन तो सुबह का भी मुहूर्त था पूजा का फ्रेंड्स, तो आप भी दर्शन कर लीजिए भोले बाबा का और गौरा माँ का। और फ्रेंड्स, यहाँ हम लोगों ने ना डेकोरेशन कर लिया है, बस अब इसे बांधना है। तो ये देखिए, मेरे बच्चे, मैं, हम लोग सबको ही मिल के सब रेडी कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर में बस पूजा की तैयारी शुरू करनी है, और मैं आधी रेडी हो चुकी हूँ। कुछ अभी बस वही कंघी वगैरह करूँगी, और फिर थोड़ी देर में पूजा में बैठूँगी फ्रेंड्स। और ये देखिए, फुलेरा की तैयारी शुरू है, और हम लोग सबको ही मिल के कर रहे हैं। कुछ मोहल्ले की लेडीज़ें भी हैं, तो वो भी आएंगी पूजा में बैठने के लिए। और फ्रेंड्स, ये पूजा ना बहुत सारी लेडीज़ें मिलके करती हैं ना, तभी मज़ा आता है फ्रेंड्स। और रात भर जागते हैं, गाना बजाना करते हैं, तो आज हम सब भी यही सब करने वाले हैं। और बाकी सारी लेडीज़ें आ चुकी हैं, सब बैठी हुई हैं, बस पंडित जी का इंतज़ार हो रहा है। तो पंडित जी अब थोड़े देर में आएंगे, तो फिर हम लोग पूजा की तैयारी करेंगे फ्रेंड्स। पंडित जी पधार रहे हैं। प्रणाम पंडित जी। पंडित जी पधार रहे हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए पूजा करने बैठते हैं। अब पंडित जी आ गए हैं, और हमारी सारी तैयारियां भी हो गई हैं। ये देखिए, सारी लेडीज़ें भी आ गई हैं। और ये देखिए, परात में हमने गौरा माँ और शंकर जी को स्थापित कर दिया है। तो पंडित जी पूजा करवा रहे हैं, तो मैं यहाँ ना उनकी रियल वॉइस रखूँगी, तो आप लोग भी सुनिए कथा कैसे करवा रहे हैं हमारे पंडित जी। और ये देखिए, हमारे पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। हमने अभी ना सब लेडीज़ों ने मिल के ना शंकर जी को दूध और जल अर्पण किया है। तो फ्रेंड्स, आइए अब आप रियल वॉइस सुनिए। शशि प्रभम दध्यानीतम मया देवम स्थानार्थम प्रतिग्रहताम शुद्धम जलम स्थानार्थम प्रतिग्रहताम ओम आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि। भाभी आपके पास मया ग्रहणाम हाँ शुभम प्रसन्नो वरदो भव श्री भगवते श्याम शिवाय नमः हस्त्यो अर्घ्यम समर्पयामि। उसके जल छोड़िएगा। ओम भगवते बेलपत्र चाहिएगा।
त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्न मपह संहारम बेलपत्रम सेवा दूचड़े ओम दुर्ग ओम बेलपत्र चाहिएगा। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्न मपह संहारम बेलपत्रम सेवा दूचड़े ओम दुर्ग ओम आभूषण श्रृंगार जो रखते सत्र आभूषण श्रृंगार समर्पयामि तो जो दिया रखे वो दिया दिखा दिएगा ये जाके नीचे रखे अगर बच्चे दिला दिए अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव धारा ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन रालन हारी ओम जय शिव सो फ्रेंड्स हमारा पूजा हो गया है और यहाँ हम लोग भजन गा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया लेके। तो फ्रेंड्स आप सबको एक बार फिर से हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएँ और आप सबको हैप्पी तीज।
सो फ्रेंड्स, अब तो हम गाना बजाना करेंगे और रात हमें जागना है। तो फ्रेंड्स, आप भी हमारे साथ पूजा में शामिल हो जाइए। तो फ्रेंड्स, बाय बाय।